थैंक यू सर। ले रहे भाई, हाँ लो पिलो, थोड़ा आगे बोलो सर, कम जैसे राजा, थोड़ा थोड़ा इधर आ जा राजा, हाँ बस इधर भी नीचे। How much you are excited for this screening? How much are excited for this screening? You want me to speak in English? Yeah. Or Marathi or Hindi? Hindi. ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ऋत्विक हमारा बेटा जो है उसकी पहली फिल्म आज रिलीज़ हो रही है, तो माँ बाप के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टेज होती हैं कि बच्चा किसी एक नए माध्यम में प्रवेश कर रहा है। उसने नाटक में तो बचपन से काम किया है और बहुत सारे नाटकों में मेन रोल किया है और प्रूव भी किया है, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, मराठी में, तीनों भाषाओं में, पर ये उसका पहली फिल्म है, डेब्यू फिल्म है और ये आज रिलीज हो रही है, इसका हमें बड़ा आनंद है। और मैंने उसको देखा नहीं है तो मैं भी आप जितना उत्सुक हैं उससे ज़्यादा उत्सुक है कि उसने कैसे काम किया है, फिल्म कैसी हैं, जो हमारे पांडुरंग जाधव जी हैं जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक है इस फिल्म के, और संजय पाटिल जी जो निर्माता है, और उसकी सारी जो टीम है उनके साथ काम करने वाली, कैलाश वाघमारे हमारा विद्यार्थी हैं एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स का, तो बहुत उम्मीदें हैं, तो फिल्म देखने के बाद ही कुछ पता चल सकता है। थैंक यू। मैम रुकिए, मैडम रुकिए, थैंक यू। बाइट लेना इसका हीरो है ना, हीरो है रोलिंग भाई। ओके okay, आज आपकी फिल्म की स्क्रीनिंग है, स्पेशल स्क्रीनिंग है, बहुत सारे लोग आ रहे, कितने कुछ एक्साइटेड हो आप इस स्क्रीनिंग के लिए? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं और नर्वसनेस भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली फिल्म है, पहला काम है, तो आज सबके सामने वो आने वाला है, सबको एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है और एक कोई क्या बोलते उसको, इट्स एक मिक्स्ड फीलिंग है, मतलब सब एक साथ पेट में गड़बड़, लाइक गुजबम्स वगैरह, बटरफ्लाईज है, तो बहुत सारी चीज़ें, और बहुत मेरे दोस्त आए हैं यार मुझे शुभकामनाएं देने के लिए, सो मैं बहुत खुश हूँ। स्पेशली मैं, मेरे पेरेंट्स आए, मेरे डैड आए दिल्ली से स्पेशली स्क्रीनिंग के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नवाज़ सर जो आने वाले थे लेकिन वो आ नहीं पाए, मगर उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा मैसेज भेजा है, जो मेरे पास उन्होंने वीडियो करके भेजा है, अगर आप चाहे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ या फिर आपके मीडिया हाउसेस को मैं पहुँचा सकता हूँ। ओके, कैसा एक्सपीरियंस था एक आपने फिल्म शूट किए, पहले आपने बहुत सारा थिएटर किया है जैसे आपके डैड ने कहा, कितना अलग था और कितना एक्साइटिंग था ट्रैवल आपकी? एक्चुअली एक्साइटमेंट थी थिएटर से स्क्रीन के लिए, स्पेशली कैमरा फेस करने के लिए, लेकिन एक पहले से एक लाइफ का एक एम था, एक पता था कि मुझे फिल्म ही करनी है, मगर ऐसी बात भी नहीं कि मैं थिएटर छोड़ूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं फिल्म करूंगा और एक्साइटमेंट ही, इसलिए मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली, वर्कशॉप्स किए, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने मेहनत की है वो आपको सबको देखने मिलेगी स्क्रीन पे। मूवी बेस्ड है फ्रेंडशिप के ऊपर जी, सेट पर कैसा माहौल था सारे यंगस्टर? जी बिल्कुल, बहुत ऐसा माहौल था ही नहीं कि हम लोग सिर्फ शूटिंग के लिए जा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा था कि हम पिकनिक कर रहे हैं और पिकनिक करते करते जैसे वीडियो शूट कर लेते हैं वैसे हम लोगों ने कोई तक शूट कर लिया, ऐसी फिल्म हो गई हमारी। और हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे, स्पेशली अब डायरेक्टर को मिलेंगे तो वो कभी किस पे चिल्लाएंगे नहीं, किस पे कुछ किसको कुछ टोकेंगे नहीं व रुकेंगे नहीं, तो उनका ऐसा कि आप जैसे करो आप वैसे करो, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं एक्शन बोलूँगा, नहीं अच्छा लगा तो मैं कट बोलूँगा, इस टाइप के, इस टेम्परामेंट के डायरेक्टर है जिसे हम बहुत कूल डायरेक्टर कहते हैं। और प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत बढ़िया है, एक तो वो आर्मी से है तो उसके लिए एक मेरे लिए तो मेरे दिल में एक अलग रिस्पेक्ट है ही,
और बाकी का क्रू भी बहुत अच्छा है, कैलाश अच्छा है, चिन्मय अच्छा है, आइली अच्छी है, मेरी कोस्ट को एक्ट्रेस मोनालिसा बागल वो भी बहुत अच्छी है, और सब लोग ने साथ मिल के हम लोग ने एक मेहनत की, बहुत अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी किए, और उस सारे चीज़ों का नतीजा मेरे ख्याल से आपको फिल्म में मिलेगा देखने। लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहूँगा कि कृपया ये ड्राई डे फिल्म जो है प्लीज़ आके देखिए, और ये फिल्म जो है अब ड्राई डे सिर्फ नाम के ऊपर मत जाइए, नाम भले ही थोड़ा सा आपको कैची या फिर आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं सिर्फ ये यंगस्टर जाएंगे एडल्ट जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग की जो फिल्म है वो पूरी फैमिली देख सकती है, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक, और ये ऐसी फिल्म है कि ये आपको स्पेशली बड़ों को अपने कॉलेज के ज़माने की याद ज़रूर दिलाएगी, और बच्चों को जो लड़के मेरे जैसे यंगस्टर्स है उनको उनके लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसा हादसा हुआ ही होगा जैसे मेरे खुद के लाइफ में हुआ है, तो ज़रूर आके देखिएगा फिल्म ड्राई डे 13 जुलाई से आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में लग रही है। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, मी मोनालिसा बागल, आणि आजच या ड्रायडे या सिनेमाचं स्पेशल स्क्रीनिंग होत आहे, आत्ताच जस्ट झालंय, खूप हॅप्पी आहे मी, हिंदी में खाना है, ओके सर चलो। हाय, मी मोनालिसा बागल, अँड आज मेरी फिल्म का स्पेशल स्क्रीनिंग हुआ है अभी जस्ट ड्रायडे मूवी का, अँड आय एम फीलिंग रिअली व्हेरी हॅप्पी की मैं इस मूवी का एक पार्ट हूँ, बहुत ऑल ओवर महाराष्ट्र ही आज मूवी रिलीज हो रही है, और इस फिल्म में मैंने पल्लवी नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया है, एंड द बेसिकली शी इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम द मिडल क्लास फैमिली, एंड लाइक की बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर है, कुछ ऐसा नहीं है कि लाइक हीरोइन के जो बाकी मूवीज़ में दिखाते हैं बहुत हटके एंट्री है या फिर कुछ स्पेशल है, नहीं, बहुत जैसे नेचुरल मैं हूँ रियल लाइफ में, वैसा ही एक कैरेक्टर मैंने इस मूवी में प्ले किया है, और कल ऑल ओवर द महाराष्ट्र ये 13 जुलाई को फिल्म रिलीज हो रही है, आई होप सो गाइस आप जाके देखोगे और आपकी ढेर सारा प्यार मुझे दोगे। थैंक यू। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मूवी को लेके मेरा, क्योंकि 5 लड़के थे और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई एक लड़की सेट पे हो तो वो मैं ही होती थी, मैं ही थी वहाँ पे, और लाइक कि सब लोग मुझे ही टारगेट करते थे, और बहुत सारे बहुत 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 परेशान किया है सब लड़कों ने मुझे ये फिल्म में, और सबसे स्पेशल थिंग कि मुझे पूरे फिल्म में आप देखोगे तो मुझे स्कूटी चलानी पड़ी है, और मुझे स्कूटी चलाने नहीं आती थी, नॉट स्कूटी, मुझे साइकिल भी चलाने नहीं आती थी, और जो वो सीखने का जर्नी थी वो बहुत कुछ अलग ही थी, वो जो साइकिल चलाने की जर्नी स्कूटी चलाने की मेरी जर्नी थी, और जो मेरे सबको आर्टिस्ट है सभी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और उन्होंने मुझे स्कूटी सीखने में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और इसका सब कुछ क्रेडिट मैं मेरी मम्मी को दूंगी सबसे पहला, बिकॉज ऑफ हर ओनली आई एम हियर एंड माई सिस्टर। नॉट, दिस इज नॉट माई फर्स्ट, यस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, ऐसा नहीं लगा काफ़ी लोगों के साथ काम कर कर कि फर्स्ट टाइम काम कर रहे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और सबसे पहली बात तो बैक ऑफ द कैमरा बहुत सब लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, इसीलिए हम लोग को कभी ऐसा नहीं लगा कि ये को आर्टिस्ट है इसके साथ कैसे बिहेव करें, नहीं, बहुत फ्रेंडशिप अच्छी थी इसलिए एक्टिंग करने में बहुत ईजी गया। यस गाइज, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ उसका क्रेडिट जितना फैमिली को दूंगी उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को दूंगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपके प्यार के वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, सो अभी तक आपने बहुत प्यार दिया है, आगे भी देंगे हमें पता है, और कल ऑल ओवर द महाराष्ट्र ये मूवी रिलीज़ हो रही है, सो आप जाकर देखिए और आपका लॉट्स ऑफ लव मुझे दीजिए। थैंक यू।